न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 500 रुपए के लिए दुकानदार ने युवक पर किया हमला, चार नाबालिग के लापता होने से हड़कंप। मध्य प्रदेश के लिए बसे शुरू, आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। महज 500 रुपए को लेकर हुए विवाद में किराना दुकानदार ने एक युवक को डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिजीत काकड़े की जयताला में किराना दुकान है, उसे अभिलाष किराना खरीदता है। अभिलाष पर किराने का भुगतान बकाया था। 22 सितंबर को अभिजीत ने अभिलाष से बकाया पैसे मांगे। अभिलाष द्वारा 1500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर अभिजीत चला गया। कुछ देर बाद वह लौट आया, उसने गालियां देते हुए डंडे से पीटकर अभिलाष को जख्मी कर दिया। अभिलाष ने बुधवार को एमआईडीसी थाने में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने हमले का मामला दर्ज किया है। दूसरी खबर, वाटोड़ा इलाके से गुरुवार की शाम एक साथ चार नाबालिग लड़कियां लापता हो गई, इसके चलते इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे अलग अलग बस्ती में रहने वाली चारों नाबालिग वाटोड़ा चौक पर सामान लेकर पहुंची। वहां से नाबालिग ने एक ऑटो किया, इसके बाद केडीके कॉलेज के पास रुककर ऑटो चालक को 70 रुपए देकर उतरकर कहीं चली गई। रात 8 बजे परिजनों को नाबालिग के लापता होने का पता चला। उन्हें ऑटो चालक के साथ जाने की जानकारी मिली। ऑटो चालक को खोजकर पूछताछ करने पर सभी को केडीके कॉलेज के पास छोड़ने का पता चला। इसके बाद से वाटोड़ा पुलिस नाबालिगों की खोज में जुट गई है। रात 11:15 बजे छापरू नगर चौक पर पुलिस को चारों नाबालिग मिल गयी, इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। तीसरी खबर, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की मार्च से मध्य प्रदेश के लिए बंद रही बसें अब शुरू हो गई है। इससे यात्रियों को राहत मिली है और एसटी को पहले की तरह रोजाना 3 लाख रुपए की आवक होने की उम्मीद है। 2 सितंबर से नागपुर व ग्रामीण भाग से एसटी बसों की फेरियां मध्य प्रदेश के लिए शुरू हो गई है। एसटी में रोजाना औसतन 2000 यात्री आवाजाही करते हैं। एसटी बसें 11000 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय करती है। इससे एसटी को एक दिन में 3 लाख रुपए और महीने भर में करीब 80 लाख रुपए की आवक होती है। गणेशपेट, घाट रोड, इमामवाड़ा, वर्धमान नगर, काटोल, रामटेक, सावनेर और उमरेड, इन 8 डिपो से कुल 42 फेरियां मध्य प्रदेश के लिए चलती है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।